प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा आहे। जागतिक रेड क्रॉस दिवस म्हणून 8 मे हा सर्वत्र साजरा होत असतो। रक्तदान श्रेष्ठ दान म्हणून ही संकल्पना घेऊन अनेक दाते रक्तदान करीत असतात। त्यात जळगावातील पत्रकार तथा आपल्या वेगळ्या शैलीचे अँकर कलावंत म्हणून प्रसिद्ध असणारे अयाज मोहसिन खान यांना आज जिल्हा प्रशासनाने प्लाझ्मा डोनरचे ब्रँड अँबेसिडर म्हणून रेड क्रॉस पतपेढीने आज नियुक्त केले आहे। जळगाव शहरातील रेड क्रॉस रक्तपेढीत शनिवारी झालेल्या जागतिक रेड क्रॉस दिवसाचे अविचित्य साधत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्या हस्ते आजवर 40 पेक्षा जास्त वेळेस प्लाझ्मा दान करणाऱ्या अयाजभाईंचा सन्मान चिन्ह देऊन यथोचित गौरव करण्यात आला। अयाजभाईंसोबत अजून 4 जणांचा सन्मान देखील करण्यात आला। सुरुवातीला दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, विनोद बियानी, गनी मेमन, सुभाष साखला, प्रसन्न कुमार रेदासनी, राजेश यावलकर, उज्ज्वला वर्मा यांची उपस्थिती होती। अयाजभाईने सर्वात मोठे नाते हे माणुसकीचे असून कोविडच्या आपत्तीमध्ये रक्तदान, प्लाझ्मा दान आणि प्लेटलेट्स यांचा अभूतपूर्व टंचाई भासत असल्याने सर्वांनी याचे दान करून माणुसकी धर्म निभावायचे आवाहन दिले आहे। जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत आनंद शर्मा, इंडिया अबतक न्यूज मराठी। इंसानियत और मानवता के नाम पर चलने वाली ये संस्था आज पूरे विश्व में इस कोरोना के कहर में इतने बड़े पैमाने पे काम कर रही है कि अब ऐसा लगता है कि हेनरी डुनल ने जो ये रेडक्रॉस फॉर्म करी थी, शायद उनका विजन इतना लंबा रहा था कि शायद मानवता के नाम से इस संस्था की जरूरत पड़ेगी। और आज सही मानों में मानवता के नाम पे रेडक्रॉस नाम की ये संस्था ने पूरे विश्व में अपने आप में इतना काम किया है कि जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल। दिनांक 8 मे रोजी साजरा करतो, त्यानिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि जळगाव रेडक्रॉस सोसायटीच्या मार्फत आपण जे काही उपक्रम राबवलेले आहेत, जर फक्त कोविडचा विचार केला आपण तर पहिल्या वेव मध्ये आपण प्रतिबंधात्मक औषधींचं वाटप असेल किंवा इकरा सारख्या सेंटरला पाईपलाईन टाकणे किंवा इतर गोष्टींमध्ये आपल्याला खूप मोठं सहकार्य रेडक्रॉसचं मिळालं होतं। त्यावेळेस प्लाझ्मा डोनेशनचा जेव्हा प्लॅटिना ड्राईव्ह महाराष्ट्रात सुरू झाला त्यावेळेस सुद्धा वन ऑफ द फर्स्ट सेंटर्स हे आपलं जळगावचं रेडक्रॉसचं सेंटर होतं। कालांतराने ती मोहीम फार मोठ्या प्रमाणावर राज्यभर विस्तारली आणि सेकंड वेव मध्ये ज्यावेळेस खूप गरज होती आणि ऑक्सिजन सिलेंडरचा शॉर्टेज पडत होता, त्यावेळेस 20 निवडा सिलेंडर्स आपण रेडक्रॉसच्या माध्यमातून उपलब्ध केले। आज मोहाडी रुग्णालय असेल, इकरा रुग्णालय असेल किंवा आपले जे ग्रामीण रुग्णालय आहेत, उपजिल्हा रुग्णालय आहेत, चोपडा, मुक्ताईनगरला पण काही दिलेले आहेत, जामनेरला आहेत, 40 गावला आहेत, या अनेक ठिकाणी एक बफर कॅपॅसिटी म्हणून एक मोठं ड्युरा सिलेंडर हे रेडक्रॉसच्या मार्फत आपण त्या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे। आणि त्याशिवाय अनेकही इतर उपक्रम आहेत। आपण बघतोय की एक लसीकरणाचं केंद्र सुद्धा या ठिकाणी सुरू आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्लाझ्मा डोनेशन, याच्या बाबतीत आता जसं सांगण्यात आलं त्या पद्धतीनं एक मोठ्या प्रमाणावर ती सुद्धा मोहीम सुरू आहे। आपण बघतोय की लोक औषधांसाठी किंवा इतर जे काही साधनं असतात त्यासाठी त्यांना बराच शोध करावा लागतो कारण त्याचा तुटवडा त्या पद्धतीचा निर्माण होतो, परंतु प्लाझ्मा हा असा एक घटक आहे की ज्याचा तुटवडा कधी निर्माण होऊ शकत नाही कारण हे डोनर्स आहेत, हे आपल्या सगळ्यांमध्येच आहेत। त्यामुळे मी सगळ्यांना आवाहन करतो की आपण ज्यांना ज्यांना अनुज्ञा असेल त्यांनी प्लाझ्मा डोनेट करावा। आपला प्लाझ्मा निश्चितपणे एखाद्याचा जीव वाचवू शकतो आणि त्या अनुषंगाने पूर्ण सहकार्य हे आपल्याला या ठिकाणी जिल्हा प्रशासन आणि रेडक्रॉस या दोन्ही संस्थांकडनं हे निश्चितपणे मिळेल। मी पुन्हा एकदा सगळ्या रेडक्रॉसच्या पदाधिकाऱ्यांचे धन्यवाद मानतो, पदाधिकारी आहेत, सदस्य आहेत आणि विशेष म्हणजे जे शुभचिंतक आहेत रेडक्रॉसचे, जे डोनर्स आहेत त्यांचं याच्यात खूप मोठं श्रेय आहे। त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि त्यांनी दिलेल्या मदतीमुळे, त्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे, म्हणजे मदत ही दरवेळेस काही आर्थिक नसते, ती भावनिक सुद्धा मदत असू शकते किंवा स्वतः येऊन प्रत्यक्ष काम करणे अशी सुद्धा एक मदत असते। तर या सगळ्या माध्यमातून एक अशा चांगल्या ऍक्टिव्हिटीज आपण इथून पुढे सुद्धा रेडक्रॉसच्या माध्यमातून सुरू ठेवू असाच एक निश्चय आज आपण या जागतिक रेडक्रॉस दिनाच्या दिवशी घेऊया आणि मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि सांगतो आज जागतिक इंडियन रेडक्रॉस डे। हेनरी साहब, हेनरी सर जिन्हें फादर ऑफ रेड क्रॉस कहा जाता है, जिनके माध्यम से आज तक के कोट्यवधि जीवन बचाए गए हैं रक्तदान, प्लेटलेट दान या प्लाज्मा दान के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आभार हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और उसके पदसिद्ध अध्यक्ष कलेक्टर महोदय, साथ ही में उपाध्यक्ष गनी भाई, चेयरमैन प्रसन्न कुमार रेदासनी जी, विनोद बियानी जी, वर्मा मैडम, इन सभी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा उत्तरदायित्व SDP डोनर अर्थात प्लेटलेट डू प्लेटलेट एम्बेसडर का आज उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है अगले एक वर्ष के लिए। और निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि इस पद के माध्यम से, इस
पोस्ट के माध्यम से ज़्यादा लोगों में मैं रक्तदान के संदर्भ में, प्लेटलेट दान के संदर्भ में, और विशेषतः कोरोना के इस वैश्विक संक्रमण काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्लाज्मा के लिए प्रेरित करेंगे। हम बताना चाहते हैं सभी लोगों को जो डोनर्स है कि प्लाज्मा दान हो या प्लेटलेट दान या रक्तदान, इसके माध्यम से कोई कमजोरी नहीं आती है, कोई वीकनेस नहीं आता है, आपके शरीर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है, बल्कि जब आप रक्तदान करते हो तो आपको एक आत्मिक आनंद मिलता है, आत्मिक समाधान मिलता है, एक रूहानी सुकून मिलता है आपको, और आपकी जो फुर्ती है, आपका जो मोरल है, ये और ज़्यादा द्विगुणित हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करेंगे कि आप प्लाज्मा दान करें। कोरोना के समय में जब जब अवसर मिले आप SDP दान करें, रक्तदान करें। एक बड़ी गलत फहमी, बड़ा गैर समझ लोगों में है कि प्लेटलेट इतने बार कैसे दे सकते हैं। जहाँ तक मेरी वैयक्तिक बात है, मैं अभी तक 40 बार ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार प्लेटलेट दान कर चुका हूँ। ऑफिशियल रिकॉर्ड के पहले, ऑनलाइन के पहले कितने बार हुआ ये पता नहीं है, लेकिन एक बार भी अगर हम करते हैं तो जो पेशेंट के जो नातेवाईक है उनके चेहरे पे जो हास्य आता है खुशी का, समाधान का, या उनके चेहरे में जब खुशी के आंसू निकलते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मानवता का सबसे बड़ा उपहार या गिफ्ट होता है। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने जिस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान किए, मेरी भी एक इच्छा आकांक्षा है कि बहुत जल्द मैं 50 पूरे कर लूँ, और उसके बाद 100 पूरे करने की मेरी महत्वाकांक्षा रहेगी। इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि हमेशा से यही नीति रही, जिस तरह से मेरे परिवार के संस्कार है, जिस तरह से मुझे समाज ने अच्छे संस्कार दिए हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान में मैं पैदा हुआ हूँ, इस महान देश में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे रुग्ण सेवायाम परम कर्तव्यम, मानवता ही बड़ी सेवा है, इस तरह का संदेश दिया गया है, वहाँ का मैं रहवासी हूँ, उसका मुझे अभिमान है। मराठी में कहते हैं कि समाज से आप लोग कहीं देने लगते हैं, इसलिए हम प्रयास करेंगे जो समाज ने हमें दिया है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, समाज ने हमको ये जन्म दिया है, यहाँ पर रक्त दिया है, वो हम समाज की परतफेड़ कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना दिल सवेरे का रोशन जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए, और मैं तो हूँ उस दिन के इंतज़ार में यारो, मैं तो हूँ उस दिन के इंतज़ार में यारो, जिस दिन ये ज़िंदगी देश के काम आ जाए, जिस दिन ये ज़िंदगी देश के काम आ जाए। हमें लगता है कि राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, हिंदू मुस्लिम एकता का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होगा, रक्तदान से बड़ा कोई माध्यम नहीं होगा। मैं आभारी हूँ उन लोगों का जिनके वजह से मुझे प्लेटलेट दान करने का अवसर मिला। आज कई लोग अपने घर पे गए हैं अच्छे होकर, लेकिन मैं आज उन लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ जिनको हमने डोनेट किया, लेकिन वो बेचारे आज इस दुनिया में नहीं है। कई ऐसे परिवार है, हिंदू मुस्लिम परिवार बड़ी संख्या में, जिन्होंने मुझे उनके परिवार में एक बेटा होने का, एक पुत्र होने का दर्जा दिया है, कितने भाई होने का दर्जा दिया है, उन सभी का मैं ऋणी हूँ। साथ ही में यहाँ तक लाने में मुझे मेरे मीडिया के जितने भी मित्र परिवार है, मेरे दोस्त है, छायाचित्रकार है, रिपोर्टर है, एंकर है, ये सभी मित्रों का मैं आभारी हूँ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का आभारी हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आभारी हूँ, केमिस संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ, और इन सबके माध्यम से जिन्होंने जब भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अप्रोक्ष सहकार्य किया, उन सभी का आज मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं आशा करूँगा कि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहकार्य से भविष्य में अच्छा काम करता रहूँ, मानवता की सेवा करता रहूँ, रुग्ण सेवायाम परम कर्तव्यम। अभी रमजान का एक बाबरकत मुबारक मौका है, कई बार ऐसा भी हुआ कि रक्तदान के लिए या प्लेटलेट दान के लिए रोजा तोड़ना पड़ा, मैंने जो है जो बड़े धर्मगुरु उनकी अनुमति लेकर उस समय रोजा तोड़ के भी हमने रक्तदान किया। तो जब भी अवसर मिलता है मानवता की सेवा करने का, हम सभी ने करना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।